हाय गाइस, वेलकम टू नोशीज मेकअप यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके पास कोई भी लिप ग्लॉस है, आप उसको किस तरह से दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, आप उसको किस तरह से मज़ीद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जो अप्लाई किया वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये वो लिप ग्लॉस है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप इसको थोड़ा ग्लिटरी बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इसका कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी पिंक कलर है पर ये अप्लाई करने पर वाइट ही कलर देता है, इसका कोई पिंक कलर नज़र नहीं आता। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको पिंक बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई और लिप ग्लॉस है, आप उनको डिफरेंट कलर्स में बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कोई ब्लश ऑन चाहिए होगा, मैं इधर ये वाला ले रही हूँ। अगर आप ब्लश ऑन नहीं लेना चाहते, आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं, किसी और कलर का बनाना चाहते हैं, तो आपके पास आई शेडो होंगे, वो तो हर कलर में होते हैं, ब्राउन, ब्लैक, पिंक, रेड, आप उनमें से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास अगर आई शेडो है तो आपने वो ले लेना है। तो आपने इस तरह को खाली कंटेनर लेना है, इसमें वो वाला कलर स्क्रैच करके डालना है। मुझे इतना पिंक कलर चाहिए तो मैं इधर पिंक स्क्रैच कर रही हूँ। इस तरह पिंक कलर को स्क्रैच करने के बाद जितना आपको चाहिए होगा, जितना कलर आपको चाहिए उतना आप स्क्रैच करें और इस ब्रश की मदद से आप इसको इसके अंदर डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप देखिएगा इसका कलर। मैंने बहुत कम पिंक कलर ऐड किया है, आप करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पहले किस तरह ये वाइट था और अब किस तरह ये पिंक हो गया। इस तरह आप डिफरेंट कलर के ग्लॉस बना सकते हैं। यकीन आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।